दरअसल ये बड़ी अजीब सी स्थिति है। कभी सेलिब्रिटीज जिनके सामने पहुंचते थे इंटरव्यू करने के लिए, अब किरदार बदल गया है। देखिए द सेलिब्रिटी कपिल शर्मा हमारे साथ है, हमारे बीच है, लेकिन आपके साथ एक सवाल के साथ शुरुआत यहां पर कर रहा हूं। न्यूज चैनलों का बड़ा मजाक उड़ाया है आपने, अपने हर एक शो में उड़ाया है। फिल्म आपकी आ रही है, हमारी शुभकामनाएं हैं, लेकिन आप तय कीजिए कि हम तीनों में से पहला सवाल कौन पूछेगा। ये देखिए ऊपर वाले का कर्म देखिए, फिल्म में तीन बीवियां और होस्ट भी तीन ब्यूटीफुल, इट्स वेरी नाइस। नहीं, मैंने मजाक नहीं कभी उड़ाया मैम न्यूज चैनल्स का। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि न्यूज आजकल कमर्शियलाइज हो गए हैं। आप पहले की न्यूज पढ़िए, आपको पता है कई बार तो हम लोग न्यूज आपके चक्कर में देख जाते हैं। सीरियसली आप इतना मतलब आप कत्ल की खबर भी सुना रहे हैं, उसमें बड़ा इंजॉय होता है हमारा, मतलब कि वहां पे ये हो गया, हमें लगता है वाओ। पहले थोड़ा न्यूज चैनल्स ऐसे होते थे, मतलब ऐसी न्यूज सुनाते थे कि थके हुए बेचारे कि नमस्कार फलाने प्रधानमंत्री इधर आ रहे हैं, ना इंटरेस्ट सुनाने वाले को होता था ना सुनने वाले को होता था। पर ये मतलब मजा आता है आप जैसे न्यूज पढ़ते हैं ना आप इसने स्टाइल से। मुझे पता है आप ऐसे बैठ के ना एबीसी भी पढ़ देना, एबीसी डी भी, तो उतनी ही रेटिंग आएगी कसम से। मतलब कपिल सवाल की शुरुआत यहाँ से करेंगे जी। महंगाई के इस दौर में लोग एक बीवी नहीं संभाल पाते हैं, आप तीन बीवियां संभाल रहे हैं, वाकई प्रोटीन शेक काफी पिया होगा आपने। देखिए ये तो मूवी तक ही ठीक है, रियल लाइफ में तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि एक बीवी आप खुश कर दो, समझ लो आपने 33 करोड़ देवी देवताओं को खुश कर दिया, क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है। और ये तो सिर्फ फिल्म में है तो, पर काफी मजा भी आता है। नहीं, मतलब फिल्म में तीन बीवियों से भी आपका दिल नहीं भरा, तो एक गर्लफ्रेंड भी है साथ में जी। वो एक्चुअली तीनों बीवियां जो है मेरी वो देसी है, इंडियन है, जो गर्लफ्रेंड है जो वो इंपोर्टेड है। अच्छा, तो हमने स्वीडन से इंपोर्ट करवाई है। और खास बात ये है नाम उसका दीपिका का है, दीपिका है। हाँ, मैंने कहा दीपिका पादुकोण को कास्ट नहीं किया तो कम से कम उसका नाम ही दीपिका रख दो। नहीं नहीं, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, राइटर ने ऑलरेडी लिखा हुआ था। और मुझे लोग कहते हैं कि आपकी चार हीरोइन है, मैंने कहा मेरे डायरेक्टर भी तो दो हैं। तो उस हिसाब से परिचय उनका भी करवा देते हैं। अब्बास जी मस्दान जी हमारे साथ हैं, सब उनका एक से बढ़कर एक फिल्में हैं, थ्रिलर्स बनाई हैं आपने, इसमें थ्रिल भी काफी कुछ होगा। एक आदमी की तीन बीवियां और थ्रिलर क्या होगा? नहीं, इसमें थ्रिल नहीं है, ये पिक्चर में बिल्कुल आउट एंड आउट कॉमेडी है और एक डिफरेंट टाइप का सब्जेक्ट है, तो इसमें थ्रिल है नहीं, क्योंकि थ्रिलर पिक्चर जो हम लोग बनाते हैं वो डिफरेंट रहती है, तो उसका टाइटल किस किस को प्यार करूं जैसा नहीं होता है। ऐसा तो नहीं कि कपिल अपनी तरफ से डायलॉग बोला करते थे उसमें? हाँ हाँ, 100% डायलॉग राइटर के पैसे बच गए। नहीं, अभी डायलॉग में इम्प्रोवाइज तो करते ही थे ना, क्योंकि कमाल का इनका ह्यूमर है और वही देखकर तो हमने इनको पिक्चर में कास्ट किया। आपको याद किया जाएगा इस फिल्म के लिए कोई ऐसा डायलॉग है? एक्चुअली होता था कि क्योंकि कॉमेडी में इम्प्रोवाइजेशन बहुत होती है, तो करते करते कुछ ना कुछ ऐसे मुंह से निकल जाता था, वैसा पर्टिकुलर तो कुछ याद नहीं है। इतनी चीजें आपके उस शो में, पर अरबान नहीं, अभी आज मैं शमशेर अकेला हूं भाई, पंजाब पुलिस, शमशेर सिंह, याद है तुम्हें भाई? याद है नहीं? याद है, मेरे को बता दे एक बार। मुझे बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है। मैं कहता हूँ भाई, मेरे को वर्ल्ड फेमस करा जिस आदमी ने, वो खुद वर्ल्ड फेमस हो गया भाई। जोरदार ताली इसकी पिक्चर के लिए। थैंक यू। मैं देख रहा हूँ भाई जीतू जी डबल रोल, अब्बास मस्तान जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए एक बार। भाई मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ भाई, नाम तुम्हारा है कपिल शर्मा जी, शर्मा बिल्कुल नहीं रहा है, मतलब चार चार को एक साथ संभाल रहा है। मैं शर्मा हूँ तो शर्मा हूँ, तो गुप्ता आता तो क्या गुप्ता आता मैं? वेरी नाइस, सेंस ऑफ ह्यूमर तुम्हारा बड़ा कमाल का भाई, इसीलिए तो यहाँ बैठा हूँ। एक बात मैं और पूछना चाहता हूँ भाई। पूछना क्यों चाहते हैं वैसे आप? पूछना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि ड्यूटी छोड़ के आप न्यूज चैनल में घुसा हैं, बाहर इतने माहौल खराब हो रहे हैं, ट्रैफिक सिग्नल लोग तोड़ रहे हैं। भाई देखो ऐसा है, पूरी पिक्चर यही दिखा देगा ये। पिक्चर के डालूंगा तो बताओ मेरे को, बताओ एक एक लाइन अपनी हीरोइनों के लिए, एली के लिए क्या कहोगे तुम? फैंटास्टिक। मैं कहूंगा भाई जिसको हाथ लगाती हो जाती मेली, वो है मंजरी फडनीस के लिए क्या कहोगे भाई? फैंटास्टिक। कमाल है भाई। मैं कहूंगा यार जाने तू जाने ना, मैंने जाने कितनी किस दे दी उसको, वो है मंजरी फडनीस। आप यही सब काम कर रहे हैं, फ्लाइंग वाली दिया मैंने, फ्लाइंग वाली। और मैं कहूं यार धाराएं तुम्हारे पे लगाऊंगा बहुत सारी। अच्छा, और धाराएं लगाने के लिए थोड़ी देर में आऊंगा, अभी एक बार जोरदार तालियां वापस है तुम्हारी, ये एंकर है बड़ी सुंदर सुंदर, ध्यान रखना इनका। जी मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगा। एक शो है आपका जी भाभी जी वॉन्ट्स टू नो,
मतलब भाभी जी का किरदार अब इतना वर्ल्ड फेमस आप कर देंगे, कभी कोई ऐसी भाभी जी रही घर के आस पड़ोस में जिन पे आपको बहुत क्रश रहा हो, उनसे कुछ कह ना पा रहे हो? भाभी जी मेरा शो नहीं, एक्चुअली वो रेड एफएम पे एक शो आता है उसमें मैं गया था, तो भाभियां सवाल पूछती उसमें कि, और बड़े अजीब अजीब सवाल पूछे मेरे से, मुझे बड़ा मजा आया उनके जवाब देख के भी। कपिल जी मैं ना जिम जाती हूँ, तो एक आदमी थे वहां पे, पहले तो मेरा ध्यान नहीं जाता था जिम में, जब मैंने इनकी फिजिक देखी ना आई फ्लैटर्ड, तो मैं कहा अच्छा आपकी शादी हो गई? हाँ। मैं तो हैरान रह गया, भाई मैं तो फिल्म में कर रहा हूँ, ये तो मतलब रियल लाइफ में भी। सो वो एक्चुअली मैं रेड एफएम के शो में गया था, तो उसमें मैंने, तो आप क्या पूछी थी, रियल भाभी? रियल भाभी कोई ऐसी जिस पर एकदम मर मिटे हो आप? देखिए मैं कि इसकी ना होती काश मेरी होती। नहीं देखिए, जिस प्लॉट की रजिस्ट्री हो जाती मैं उस पर ध्यान नहीं देता। मैं ऐसे ही, वैसा कुछ नहीं, मतलब मैंने हमेशा ही अपने कॉलेज तक ही। एक बात यहाँ पर रही है, लड़कियों पर आपका विशेष ध्यान रहता है, जो आप शो करते हैं उसमें आपके जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे हैं तो मर्द, लेकिन बनके बिल्कुल आते हैं लड़कियों वाले स्टाइल में, तैयार होके आते हैं। फिल्म आपने चुनी तो ऐसी फिल्म चुनी जिसमें आपको चार चार एक्ट्रेसेस का रोमांस करने के लिए मिल रहा है, तो ये फ्लर्ट रोमांस लड़कियों वाला एंगल ये लाइफ में कहाँ से शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है? ये सबके मन के अंदर होती हैं बातें, पर ये है कि कोई खुल के जाहिर नहीं करता, मैं बोल देता हूँ खुल के। छोटी सी जिंदगी है, प्यार बांट लो जितना बांट सकते हो, तो क्या लेके जाना दुनिया से। सो मैं ऐसे ही फ्लर्ट ही करता रहता हूँ ऐसे टीवी में मजे के लिए, पर वो ऐसा कुछ हाथ कभी आया नहीं कुछ। तो फिल्म में जब फिल्म में रोमांस करना था तो थोड़ी झिझक नर्वसनेस? बहुत झिझक थी मुझे, आप बिलीव नहीं करेंगी। मुझे राजस्थान ले गए, मैंने सबसे पहले बासमसान सर से कहा, मैंने कहा सर मुझे डांस वांस मत करवाइएगा, तो मैं इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ। कहते नहीं करवाएंगे। इन्होंने रोमांस से शुरू किया, रोमांटिक सीन से लड़की को पकड़ के ऐसे। अच्छा राजस्थान चले गए, गाना शूट करना था समंदर मैं किनारा तू, तो मैं झिझकूं कि यार किसी की बहू बेटी ऐसे कैसे पकड़ लें सीधा, कोई आई है वहां पे इतनी दूर। तो मुझे इन्होंने कहा, मेरे कान में आके मुस्तान भाई ने कहा कि ये तुम्हारे लिए ही है बिंदास, ऐसे खुल के फिर मैं, फिर जो मेरा कमीनापन बाहर निकला है वो आप मतलब फिल्म में देखेंगे। कितना वक्त लगा था झिझक निकलने में? नहीं पता, अपने घर में आदमी शेर होता है। अब राजस्थान गए हो इतनी दूर, वहां पे ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो मैं सोचूं कि यार यहाँ पे मतलब ऐसे सबके सामने। एक चीज और होती है, जब आप सिनेमा में रोमांस देखते हैं लड़का लड़की सिर्फ नजर आते हैं आपको, अदरवाइज जब हम लोग कर रहे होते हैं, एक आदमी लाइट ले खड़ा है करके, एक आदमी कोई खड़ा है, तो आप लड़की को ऐसे पकड़ रहे, पीछे आपको एक थर्मोकोल लेके बैठा हुआ आदमी, तो उस समय रोमांस निकलता नहीं है ना, ये चीज है। ये चीज है आपस में बंद कमरे में करने वाली। तो जब ऐसे सब लाइट मैन और वो थर्मोकोल लेके आपके मुंह के पास खड़े रहते, अच्छा उनको कोई एक्सप्रेशन भी नहीं होता उनको, क्योंकि उनका रोज का काम है। आप रोमांस कर रहे हैं आंखों में आंखें देख के और यूं, पर वो अपना पसीना पोंछ रहे हैं और उनका ध्यान ये होता है, तो बड़ा मुश्किल होता है एक्चुअली इतने सारे लोगों के सामने, 250 लोग आपको देख रहे होते हैं, सो इसलिए मुश्किल लगा। अदरवाइज तो आई एम वेरी वेरी मच एज यू ऑल नो। बहुत सारी आपकी फीमेल फैंस यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन कईयों का दिल टूटा, एक आपकी शादी की पिक्चर कहीं से लीक हो गई, अब पता नहीं वो किसी फिल्म की थी, किसी सीन की थी, एक्चुअल थी? नहीं एक्चुअली वो शादी की थी। उसमें आप सेहरा पहने हुए थे, बकायदा बैठे हुए थे, फेरे हो रहे थे, तो बहुत सारी लड़कियां जानने को उत्सुक हो गई, आखिर ये हो क्या रहा है, कपिल की वाकई शादी हो गई है क्या? नहीं नहीं वाकई नहीं हुई, वो एक्चुअली फिल्म की फोटो ही थी एक्चुअली, वो किसी ने तो एक्चुअली आजकल हर किसी के पास मोबाइल है, मोबाइल में हर किसी के मोबाइल में कैमरा है, वो कहीं से भी कोई खींच के ऐसे लीक हो गई, तो मैंने भी वहीं पे देखा, तो मुझे लगा कि यार शादी हो गई, वाइफ है कहाँ, मैं भी न्यूज़ में ही देख रहा हूँ। सो एक्चुअली वो फिल्म की ही एक पिक्चर थी जो लीक हुई थी। शादी करनी भी नहीं है आपको अभी? नहीं पता क्या, एक ही से करनी पड़ती है ना शादी। अब इतना प्यार मिल रहा है तो क्यों ऐसे ही है, मतलब ऐसी बात नहीं है, वो भी करेंगे जरूर। बिगाड़ रहे हैं पूरी पीढ़ी को। नहीं ये ऑलरेडी बिगड़े हुए हैं, ये ऐसे ही मतलब कर लेंगे जब टाइम होगा उसका। फ्लर्ट के लिए टिप्स लेना है तो लोग कपिल का शो देखते हैं, ये भी अभी फीडबैक मिला था हमें। अच्छा कौन बोलता था ऐसे? ऑडियंस सामने आपके ऐसे कौन सा आपने कौन सा? सारे एपिसोड देख लो, चाहे कोई हीरोइन आए, माइक स्टार्टिंग होती है, एक बार वो खत्म बहुत मुश्किल से होती है। अच्छा आप एक बात बताओ, मेरी जगह आप होते तो क्या करते? अभी भी आपके दोनों तरफ एक लड़की बैठी, एक लड़का बैठा, कोहनी आपने इस तरफ भी रखी ना जिस तरफ लड़की है, तो आप इस तरफ भी तो हो सकते थे। आप हमेशा से ही ऐसे थे। ऐसे मतलब ऐसे ही कुछ भी बोल दिया,
कुछ भी बोल दिया, लेकिन अब एक बात है कपिल जी, एक मंच पर बैठकर अपने मन में आने वाली लाइंस को बोलना जी, और किसी डायलॉग राइटर की बातों को बोलना जो एक स्क्रिप्ट के साथ हो, पटकथा के साथ हो, ये ट्रांजिशन मुश्किल रहा होगा जी। नहीं एक्चुअली मैम, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ ये बात कि जिन्होंने फिल्म लिखी है वो मेरी टीम में ही है, कॉमेडी नाइट्स में लिखते हैं वो अनुकल्प गोस्वामी। सो एक्चुअली क्या होता है कि एक आपकी अपनी पर्सनल डिक्शनरी होती है, जैसे फिल्म में एक डायलॉग था जो आपने प्रोमो में देखा होगा कि अरे ये मेरा अंडरवेयर नहीं है, तो मैं हमेशा कच्चा बोलता था उसको, क्योंकि नॉर्थ में, मैं नॉर्थ वेल्स में हूं बेसिकली फ्रॉम अमृतसर, तो मुझे लगता था कि ये जो मेरी लैंग्वेज है, जो देसीपना है उसमें, जो लोग इंजॉय करते हैं, सो उसको मैं छोड़ू नहीं, तो वो मैं अगर डायलॉग लिखा गया है उसकी अपनी लैंग्वेज में तो मैं उसको अपने शब्द दे देता हूँ हमेशा ही। सो क्योंकि वो लोगों को फिर लगता नहीं है कि ये कुछ अलग बोला है इन्होंने। चलिए एक बात बताइए, आपका जॉनर कॉमेडी है, आप कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं, इसी से इतनी शोहरत हासिल करी है, कई बार ऐसा हुआ है कि कॉमेडी करने की कोशिश करी हो लेकिन लोग हंसे ही ना हो और फिर कॉमेडी का कोई रिकॉर्डेड जिंगल चलाना पड़े? आप बिलीव नहीं करेंगे, एक बार हैदराबाद में ऐसा हुआ, कोई तो यूएस से आए थे, कुछ करोड़पति आदमी हो गए वहां पे, उनके अंडर कुछ 1000 गोरे लोग काम करते थे, मतलब उनकी कुछ तो होगा उनका, वो यहाँ पे आए, साउथ में एक साड़ी की रस्म होती है जो बच्ची को पहली बार साड़ी पहनाई जाती है 10-12 साल की उम्र में, तो वो पता नहीं उनका अरेंजमेंट कैसा था, जैसे आप लोग मेरे तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, वहां पे क्या हुआ, लड़की की स्टेज इस तरफ लगी थी, सारी ऑडियंस उस तरफ, मैं अकेला ही, मैं उनके कंधों को सुना रहा हूं, तो उनके गेस्ट भी सब बाहर से आए, आधे से ज्यादा गोरे लोग थे। अच्छा, मैं 1 मिनट 2 मिनट मुझे पसीने आने शुरू हो गए कि अब हो ही नहीं रहा कुछ, तो मैं स्टेज से नीचे उतराया, मैंने कहा ये फंक्शन खत्म, मैं दोबारा आता हूँ। उन्होंने गौर भी नहीं किया, उन्होंने देखा भी नहीं, ये काफी 6-7 साल पहले की बात है। उसके बाद एक सिंगर आए, कुछ तो थे इंडियन आइडल से, उन्होंने परफॉर्म किया कंधों को देख के, उनको भी कोई रिस्पॉन्स नहीं, वो भी बेचारा पीछे हम लोग बैठे पकौड़े खा रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। तो उसके बाद एक जादूगर आए, उन्होंने लड़की के चाचा को गायब कर दिया, सारी पब्लिक उनके पीछे, मैं खुद जादूगर के पीछे पीछे, मैंने कहा कॉमेडी छोड़ के मैंने को जादू सीखना है। तो ऐसा होता है कभी कभी, पर उसके बाद नहीं हुआ। स्ट्रगल से मैं एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी। आप इतनी देर बाद क्यों आती हैं? क्योंकि मैं आपकी बातों में इतना खो चुकी हूँ, मेरे को भी सुनने में बहुत मजा आ रहा है। हाँ, स्वीट ऑफ यू। अच्छा, आप कॉमेडी के लिए जब आपने शुरुआत की, आपको कभी बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ा, उस दौरान भी ऐसा हुआ कि आप रिजेक्ट हुए, देन फिर आप उसी शो के क्राउन प्रिंस बने, फिर आप अपना शो लॉन्च करके आए, आपने इतने सारे स्टार्स को इंटरव्यू किया, कौन से नाम उसमें शामिल नहीं, अमिताभ बच्चन, रेखा, हेमा मालिनी, सारे बड़े बड़े स्टार्स आए जी। अब आज आप फिल्म के साथ भी अब सबके सामने आने वाले हैं, ये सब कुछ होने के बाद आपने सोचा था 3 खूबसूरत लड़कियां ऐसे आपके सामने बैठी होंगी? मैंने कभी नहीं सोचा था, बहुत मजा आया, ऊपर वाले तेरा लाख लाख शुक्र है। अच्छा, सवाल पूछते हुए मन में ये सोच रही थी कि मैं जैसे कपिल पूछते हैं उसके नियर बाय कहीं पर हूँ। नहीं नहीं, आप बिल्कुल ज्यादा ही हैं। नहीं नहीं, सचमुच जो कहते हैं ना कि कोई बहुत हंसाता है तो उसके पीछे कुछ दर्द भी छिपा होता है, आपकी लाइफ में भी बहुत स्ट्रगल्स रहे हैं कपिल? होता है मैम, एक्चुअली लाइफ में कौन स्ट्रगल नहीं करता, मुझे लगता है कि जब मुझसे कोई ये सवाल करता है तो मैं हंसी मजाक में डाल देता हूँ, बिकॉज आप देखें, अगर आप दिल्ली की बाहर सड़कों पर निकले, आप कहीं कम किसी बुजुर्ग को ऑटो रिक्शा चलाते हुए देखता हूँ या रिक्शा चलाते हुए, मुझे लगता है कि यार हमने अगर मेहनत की है तो हमें भगवान ने बहुत दिया भी है। ये रोज उठते हैं और रोज अपने के रात के खाने के लिए 200-250 रुपये कमाते होंगे, इससे ज़्यादा क्या, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। सो स्ट्रगल होती है, हर किसी की लाइफ में होती है, मैंने भी करी है। मैंने क्योंकि मेरे फादर जब पुलिस में जॉब करते थे, मेरे फादर, उनको कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो गई, तो मैं दिल्ली उनके साथ काफ़ी समय रहा ट्रीटमेंट के दौरान। सो बड़ा सारी प्लानिंग्स जो आदमी अपने लेवल पे करता है, बिकॉज डेस्टिनी ने कुछ और प्लान किया होता आपके लिए, सो वो सारी मुश्किलें आईं, लेकिन ठीक है मैम, अब सब ठीक है। सो मुझे लगता है कि भगवान ने अगर बुरा वक्त दिखाया तो अच्छा भी बहुत दिखाया, इतने सब लोगों का प्यार मिला है। सो थैंक यू सो मच। बजाना अलग बात है तालियां, लेकिन हौसले की बात पर। तो माइक मुझे लगता है ऑडियंस में पहुंच भी चुका है, कौन सवाल पूछना चाहता है? बहुत सारे हाथ उठे थे, मैं घबरा गई थी पहली बार देखकर। या कपिल, हम चाहते हैं कि आप वो बम 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 गाना वो हम लोग के गाएं एक बार। क्यों चाहते हैं आप? ऐसे ही चाहते हैं क्योंकि उसमें जो फीमेल सिंगर है उससे ज्यादा मतलब आपका आवाज लग रहा है, और अगर फिर से रिकॉर्डेड होता। आपने सुना है? पहले गा के बताओ, आपने अगर सुना है तो। मैंने सुना है, बस आपका जो लाइन है वो मैं गा सकता हूँ। अच्छा, गा के बताइए थोड़ा सा। बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, बेबी बेबी मैं तेरे लिए क्रेजी। और एक सवाल जल्दी से, कोई नहीं, किसी लड़की को दे दीजिए, बैलेंस हो जाएगा। एक मिनट पहले मैं बात कर लूं अपनी। ये झूठ बोल रहे हैं, इनकी शादी मेरे से फिक्स हुई थी, पता है?
कपिल वो पुलिस वाले ढूंढ रहे तुम्हें, मैं ये ड्रेस पहन के आई बड़ी मुश्किल से अंदर तुम्हें बताने के लिए पुलिस वाले ढूंढ रहे हूँ। अरे वाह शट अप। कमाल है, इतना गुस्सा, मैं धाराएं लेके आया हूँ भाई इनके लिए। मैं कहता हूँ दिल्ली आया तुम, तुम्हें दिल्ली के बारे में बताऊं भाई, एक मिनिस्टर साहब हैं उनसे एक नहीं संभालेगी, इन्होंने चार संभाल ली है, मर्दों की कैपेसिटी को ललकार रहे हैं। तो तुम्हारे पास धारा ये है भाई कि जो नाम है ना तुम्हारी पिक्चर का, इसको प्यार करूं, इस नाम पे गाना था बड़ा पुराना वाला, वो याद है आपको? जी बिल्कुल। एक बार वो हो जाए मजा आ जाए। नहीं वो उन्होंने भी तो यही पूछ रहे थे, आपने दोबारा दुपट्टा लेके आने की जहमत क्यों उठाई पहले मुझे बताइए। मैंने रेंट दे दिया था इसका, मैंने कहा सुनना तो है। वो गाना एक्चुअली अब मुझे याद प्रॉपर नहीं है, पर उसकी वही एक लाइन उसका हुक है बड़ा कमाल, किसको प्यार करूं, किस किस को प्यार करूं, ये भी है वो भी है, इतना याद है मेरे को। जोरदार ताली। शुक्रिया जी। अभी आपकी मूवी आ रही है, क्या नाम है आपका? सिमरन। सिमरन लड़के से तो नहीं पूछा था आपने है? नाम, उसका नाम तो किसी को पता, लड़कों के नाम सेम ही होते हैं, राजू मोनू। सिमरन, मेरी एक बीवी का नाम सिमरन भी है, जिनका रियल लाइफ में भी नाम सिमरन है। जी सिमरन, तो उसमें इन योर मूवी 3 wife and 1 girlfriend, सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? एंड इट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस। एंड नाउ अब रियल लाइफ में शादी के बारे में क्या? मुझे लगता है कि रियल लाइफ का तो मुझे पता नहीं कब होगी, लेकिन हाँ फिल्म में मुझे बहुत मैंने मजा किया, क्योंकि जब आप खुद मजा करते हो आप ऑन कैमरा, तो तब लोग जब आपकी परफॉर्मेंस देखते हैं उनको भी उतना ही मजा आता है। सो मैंने बड़ा मजा किया और लड़कियों को भी बड़ा मजा आया। सो मजे मजे में हमने फिल्म बनाई, और ये पहली फिल्म होगी मेरे ख्याल से जो टाइम से पहले कंप्लीट हो गई। सो इतना मजा हम लोगों ने किया। सो अब आप देखेंगे 25 सितंबर को, तो आपको भी मजा आएगा। सर तो फिर अब हमारे हमको न्यूज कब मिलेगी आपकी शादी की रियल लाइफ? आप पहली लड़की हैं जो मेरी शादी करवाना चाहती हैं। बहन जी क्यों आप मेरे पीछे पड़ी हुई? ये ऐसी बातें ना माएं पूछती हैं, बेटा कब सुनाएगा खबर? तो पर शुक्रिया आपको। सबसे एलिजिबल बैचलर बचता है उससे पूछा जाता है। ओके। अब वो दौर धीरे धीरे हटते जाते हैं, सलमान खान से पूछ पूछ कर लोग तंग आ चुके हैं, आप उनकी जगह लेने वाले हैं, आप समझ लीजिए इस बात को। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कपिल यहाँ पर आने के लिए। अब्बास जी, मस्तान जी, बहुत शुक्रिया, क्योंकि बहुत सबके जहन में सवाल है, और हम लोग तो खैर आपने ये तय ही नहीं किया कौन पहला सवाल पूछेगा, इसलिए तो हम लोग सिर्फ गप कर रहे थे, बातें यहाँ पर हुई नहीं इंटरव्यू ज्यादा नहीं। पर आपका ये बहुत अच्छा शो है, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, क्यों ना हम लोग एक दोबारा फिल्म की सक्सेस के बाद एक और प्लान करें? पता? चलो ठीक है, डेफिनेटली। मुझे मैं दिल से बताऊं, मुझे बड़ा मजा आता है अब सबसे बातें करके, बिकॉज बड़े सारे शोज होते हैं जो स्क्रिप्टेड है कि सब याद करके आए और बोल दिया, मुझे इतना मजा आता है, क्योंकि आप लोग जब बातें करते हैं जो इनोसेंस होती है इसमें से ही ह्यूमर निकलता है। ह्यूमर जो है प्लान नहीं किया जाता ना ही लिखा जाता है, ये सब ऐसे ही बातों में से निकलता है जो मैं आप लोगों के साथ करता हूँ। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, आपने हमेशा से ही साथ दिया है और हमारे शोज को बहुत पसंद किया है, और उम्मीद है कि आप हमारी फिल्म को भी उतना ही प्यार देंगे। सो आपके सामने हाजिर हैं हम लोग लेकर किस किस को प्यार करूं। शुक्रिया, थैंक यू।